बिना काम आज गाँव गाँव गाँव। ये हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कह रहे हैं वह एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं जिसके तहत वाहनों के हॉर्न के रूप में केवल भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज का इस्तेमाल किया जाए। तो पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। कि हे सगळं ध्वनी प्रदूषण जे आहे हे माझ्यामुळे आहे, कारण मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री आहे, मोटर व्हेकल ऍक्ट माझ्याकडे आहे, मी सगळ्या नेत्यांचे लाल दिवे काढून घेतले, सायरन काढून घेतला, माझ्यावर बरेच नाराज आहेत, कारण हे जे बिना कामाचे मोठी मजा वाटते, आतमध्ये बसलेला आला खूप मजा वाटते, का पोलीसवाले थांबले रस्ता बंद आहे आणि त्याला वाटते आपल्यासाठी सायरन वाजवून झाला, मोठी मजा येऊन झाली, आणि बाकीचे बाहेरचे थांबलेले गुंडे केव्हाही बियात जाते आणि तेव्हा मुक्ती मिळते। दरअसल नासिक में एक राजमार्ग के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि वह एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन का भी अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें आकाशवाणी पर बजाए जाने वाले अधिक कर्णध्वनि धुन में बदलने पर विचार कर रहे हैं। समारोह में नितिन गडकरी ने कहा, हमने लाल बत्ती खत्म कर दी है, अब मैं इन सायरन को खत्म करना चाहता हूँ। गाड़ियों में बजने वाले तेज हॉर्न और सायरन काफी परेशान करने वाले होते हैं और कई बार तो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि एक कलाकार ने आकाशवाणी के लिए एक धुन बनाया और इसे सुबह सुबह बजाया गया। मैं उस धुन को एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे। खासकर मंत्रियों के गुजरते समय सायरन का इस्तेमाल जोरदार आवाज में किया जाता है जो बहुत परेशान करने वाला होता है, इसे कानों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। वहीं सड़क मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सड़क दुर्घटना के पीड़ित को गंभीर चोट लगने से एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों के लिए एक योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत ऐसे लोगों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे भारत में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती है जिसमें 1,50,000 लोग मारे जाते हैं, साथ ही लाखों लोग घायल होते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारण हम अपने जीडीपी का 3% हिस्सा खो देते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 2018 के बाद हिट एंड रन यानी टक्कर मारकर भागने से 1,35,000 मामले दर्ज किए गए हैं। अकेले 2020 में हिट एंड रन के 41,196 मामले सामने आए, 2019 में ऐसे 47,504 और 2018 में 47,028 मामले सामने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।